वह सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और सर्दियों में एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा सताती है वो है ड्राई स्किन, रूखी स्किन। इसलिए तरह तरह के मॉइस्चराइजर्स हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या लगाएं फेस पर, बॉडी पर, और इनफैक्ट बाल भी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। वेल, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विंटर्स में आपको किस तरीके से अपना स्किन केयर करना है। सबसे पहले तो आप एक माइल्ड क्लेंजर खरीदें, एक ऐसा क्लेंजर या फेस वॉश जिसमें ज्यादा झाग ना हो। जितनी ज्यादा झाग होगी उतने ही आपके चेहरे पर रूखापन, ड्राइनेस बढ़ेगा। अगर क्रीम बेस्ड क्लेंजर है तो आपके चेहरे पर मॉइस्चराइजेशन और नमी बरकरार रहेगी। उसके अलावा जब भी आप फेस वॉश करें, जिस भी समय फेस वॉश करें, मॉइस्चराइजर इज द की। आपको एक मॉइस्चराइजर लेना है, वो भी थिक, सो दैट वो लंबे समय तक आपके फेस को मॉइस्चराइज करे। और अगर आपको लग रहा है कि आपको मॉइस्चराइजर सूट नहीं करता है तो ग्लिसरीन और गुलाब जल एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है और कोई भी आम मॉइस्चराइजर काम नहीं करता है तो आप अपने मॉइस्चराइजर में कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर बादाम तेल मिक्स कर सकते हैं और फिर उसे अपनी बॉडी पर, एल्बोस पर, घुटनों पर, पांव पर, जहां सबसे ज्यादा ड्राइनेस रहती है वहां पर आप लगा सकते हैं। अच्छा, सर्दियों में अपनी बॉडी या फेस पर लेमन या फिर किसी भी किस्म का ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि एसिडिक है, जैसे टमाटर, लगाने से बचे क्योंकि वो और भी ज्यादा रैशेस, इरिटेशन और ड्राइनेस को बढ़ावा दे सकता है। उसके अलावा सर्दियों में आपको रोजाना नाइट क्रीम लगाने की हैबिट जरूर डालनी है जिससे आपके चेहरे में सपलनेस बनी रहेगी। उसी के अलावा आप चाहें तो चेहरे पर मलाई भी लगा सकते हैं या फिर फेस पर शुद्ध देसी घी भी लगा सकते हैं, वो भी आपके फेस को प्रॉपरली मॉइस्चराइज करता है। अच्छा, उसी के अलावा अगर आपको लगता है कि बॉडी में बहुत ज्यादा इचिंग होती है, मॉइस्चराइजर टिकता ही नहीं है, तो आप चाहें तो सिंपल वैसलीन पेट्रोलियम जेली में भी अपना मॉइस्चराइजर मिक्स कर सकते हैं और फिर उसे ओवरऑल अपनी बॉडी पर लगा सकते हैं। साथ साथ जितना हो सके सर्दियों में आपको ऐसी क्रीम्स, ऐसे जेल्स नहीं लगाने हैं जो कि आपके चेहरे से नमी को सोखते हैं या फिर अब्सॉर्ब करते हैं, या फिर ऐसे वेट टिश्यूज भी नहीं यूज करने हैं जो कि आपके चेहरे की नमी को उड़ा लेते हैं। उसी के अलावा सर्दियों में जब भी आप टोनर का इस्तेमाल करें तो उसमें रोज वाटर या एलोवेरा होगा तो वो भी आपके चेहरे को ड्राई नहीं होने देगा। और साथ साथ सर्दियों में हम पानी कम पीते हैं, प्यास कम लगती है, बट मेक श्योर कि सर्दियों में भी आपका वाटर इनटेक बराबर रहे ताकि ओवरऑल आपकी बॉडी को हाइड्रेशन मिले। वेल, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ये ड्राई स्किन टिप्स आप जरूर फॉलो करेंगे। अगर ऐसे वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो ट्रेंड्स 9 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।